व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग को एक सिंपल टर्म्स में समझते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि इसमें आप अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं, किसी दूसरे का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विच इज़ क्रिएटेड बाई सम अदर पार्टी, जिसको हम बोलते हैं मर्चेंट, राइट? तो जो प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है, किसी अदर वन ने क्रिएट किया है, या आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, किसी को रेफ़र करते हैं, किसी को रिकमेंड करते हैं, ठीक है? और होता क्या है कि जब आप ये प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करते हैं, चाहे वो आप अपने ब्लॉग के थ्रू करें, चाहे वो आप किसी अदर मीडियम से करें, अगर वो बंदा जिसे जिसे आपने रिकमेंड किया है वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, तो आपको उसके बदले में कुछ कमीशन मिलता है, राइट? यू अर्न अ कमीशन फॉर एवरी सेल दैट यू मेक। सो आप किसी को भी रिकमेंड करेंगे, अगर उसने खरीदा तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा। सो यू आर एन एफिलिएट बिकॉज यू आर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। जिसका प्रोडक्ट है वो मर्चेंट हो गया, एंड जो प्रोडक्ट खरीद रहा है दैट इज द कस्टमर। सो ये तीन पार्टीज में इन्वॉल्व है, एंड दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग, जहाँ पर एफिलिएट्स प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और उन्हें कुछ उसके बदले में कमीशन मिलता है। नाउ व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग इज बूमिंग सो मच, क्यों आजकल, पहले कुछ सालों पहले तक हमें ये सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन आजकल ये बहुत फेमस टर्म हो चुका है, एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, एवरी पार्टी इज इन्वॉल्व इन दिस होल ट्रांजेक्शन, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। इसको समझते हैं कैसे ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए। सपोज मैं एक मर्चेंट हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया, राइट? मेरा एक प्रोडक्ट है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है? उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तरह तरह के लोगों के पास जाना पड़ेगा उसको बेचने के लिए, एडवर्टीजमेंट चलाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, राइट? उसमें मेरा बहुत सारा एक्सपेंस होगा, ठीक? देन एफिलिएट्स। सो यहाँ पे एफिलिएट्स आते हैं। अब होगा क्या कि अगर मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो ये सारा काम खुद करे, मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मैंने बनाया, लेकिन वो उसको प्रमोट करे, वो उस प्रोडक्ट को अपने अपने तरीके से उसको प्रमोट करे, अपने नेटवर्क में लोगों को रिकमेंड करे, और चाहे वो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू करे, चाहे वो अपनी फॉलोइंग में करे, चाहे वो अपने किसी भी नेटवर्क में जहाँ वो जिसका भी वो पार्ट है वो उसको प्रमोट करता है, ठीक है? चाहे वो यूट्यूब में कर रहा है, ब्लॉगिंग में कर रहा है, या ऑफलाइन कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, तो जब वो प्रोडक्ट भेज रहा है तो मुझे हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है एज अ मर्चेंट। मैंने प्रोडक्ट बना दिया, एफिलिएट का काम है वो उसको प्रमोट करेगा, और बेस्ट पार्ट इज कि जब सेल होगी तभी मुझे उसे कमीशन देना है। जब तक कोई मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा मुझे उसे कोई पैसा नहीं देना है, राइट? सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी एज अ मर्चेंट। अगर मैं मर्चेंट हूँ तो मेरे लिए ये एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मैंने प्रोडक्ट क्रिएट किया, ना मुझे मार्केटिंग करनी है उसकी, ना मुझे एडवर्टीजमेंट देने हैं, ना मुझे कोई भी मुझे एफर्ट्स नहीं करने हैं, मुझे अपना टाइम नहीं देना है, सब कुछ एफिलिएट कर रहा है, एफिलिएट प्रमोट कर रहा है, वो अपने रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, वो आपका प्रोडक्ट बेच रहा है, राइट? तो मैं जो पैसा इसमें खर्च करता वो उसके बजाय मैं उसको दे सकता हूँ, राइट? वो मार्जिन मैं उसको दे सकता हूँ एफिलिएट कमीशन के तौर पे, एंड वो सारी चीज़ें करेगा। हो सकता है कि मैं उससे कम में ही काम चला लूँ। अगर सपोज मुझे 30% जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो मुझे खर्च करनी पड़ रही थी, राइट? मार्केटिंग एंड ऑल दिस स्टफ में इसमें मुझे खर्च करनी पड़ रही थी। अब क्या है कि मैं अगर उसे 25% या 20% कमीशन दे रहा हूँ और वो मेरा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो स्टिल 10% तो मैं बचा रहा हूँ। तो एंड मुझे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा टाइम बच रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं अदर स्टफ में यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी विन सिचुएशन है। इसके बाद एफिलिएट की बात कर लेते हैं। एज एन एफिलिएट मुझे क्या फ़ायदा है? अगर मैं एफिलिएट हूँ तो मुझे कोई प्रोडक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट क्रिएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, कोई किसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए मुझे, मुझे प्रोडक्ट क्रिएशन का कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, राइट? प्रोडक्ट
प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, मुझे सिर्फ उसे प्रमोट करना है, मुझे सिर्फ उसे रिकमेंड करना है, और उसके बदले हर प्रोडक्ट की सेल पे मुझे कुछ कमीशन मिल जाएगा। तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज एन एफिलिएट कि मुझे बिना कोई प्रोडक्ट बनाए उसको बेचने का मौका मिल रहा है और मुझे उसके बदले कमीशन मिल रहा है, ना कि मुझे एक सैलरी मिल रही है कि मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ। मैं फ्री हूँ, उसे अपने हिसाब से अपने तरह से प्रमोट कर सकता हूँ कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अपने नेटवर्क पे, और मुझे इंडिपेंडेंटली फ्रीली उसको प्रमोट करने की पूरी परमिशन है, उसके बदले मुझे कमीशन मिलेगा, राइट? सो ये एक विन सिचुएशन हो गई एफिलिएट के लिए। और एज अ कस्टमर, किसी जिसको हमने प्रोडक्ट सेल किया उसके लिए विन सिचुएशन ये है कि जब एफिलिएट उसे प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो उसके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करता है, वो उसको कुछ वैल्यू देता है उसके बदले में, मे बी उसकी उसकी कुछ क्वेरीज हो जो उसको सॉल्व करेगा, उसके डाउट्स क्लियर करेगा, हो सकता है वो कुछ बोनसेस दे रहा हो। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हमारे कोर्सेज होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वहाँ पर एफिलिएट्स अपने बोनसेस भी देते हैं अलग से, वो कुछ बोनस क्रिएट करते हैं, कुछ PDFs हो गई, कोई केस स्टडी हो गई, कोई कोर्स हो गया, वो साथ में फ्री में देते हैं क्योंकि उससे उनके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, राइट? सो उसको वो एक्स्ट्रा चीज़ भी मिल रही है साथ में, है ना? तो उसके लिए भी एक विन सिचुएशन हो गई। तो ये तीनों के लिए ही एक विन 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 सिचुएशन है, एंड इसीलिए एफिलिएट मार्केटिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल है आज के टाइम पे, क्योंकि हर कंपनी, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कंपनीज आज अपने एफिलिएट प्रोग्राम्स ला चुकी हैं और मार्केट में वो एफिलिएट्स को बहुत ज़्यादा कमीशन्स दे रही हैं प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है सभी के लिए। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है और एफिलिएट मार्केटिंग क्यों इतनी पावरफुल है, क्यों इतनी ज़्यादा फेमस हो रही है आजकल के टाइम पे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है मुझे लगता है। अगले वीडियो में मैं आपको और इसके बारे में आगे की इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप किस तरह से, इन विच वे यू कैन मेक, यू कैन डू द एफिलिएट मार्केटिंग, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सकता है। सो आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसकी और भी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड stay tuned for the future videos. So that's all for today's video. Thank you very much.